सो so, हम लोग को पूछा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट द अर्थ सरफेस ओके सो अर्थ के सरफेस से ये सैटेलाइट कितना डिस्टेंस पे है वो हमको निकालना है ओके ओके सो लेट सपोज किसी भी टाइम टी पे पे ये ये हमारा सैटेलाइट सैटेलाइट है okay? now, जो है नाउ जो ये अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ओके okay? सो so, इसका एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा लेट सपोज इसका इस टाइम पे इधर के डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी ओके okay? इसी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं नाउ अगर ये सैटेलाइट यूनिफॉर्म एक्स सर्कुलर मोशन कर रहा है ओके सो so, इसका सेंटर की तरफ एक एक्सेरेशन होगा जिसको हम लोग सेंटिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं एंड इसका वैल्यू होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द पाथ ओके ये है सेंटिपिटल का वैल्यू नाउ ये अगर के पास है ठीक है तो बिना फोर्स का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता ओके इसका मतलब कि एक जरूर कोई ना कोई एक फोर्स होगा इधर के डायरेक्शन में ठीक है जिधर की तरफ एक्सेलरेशन है सो ये फोर्स कौन सा है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ क्या करता है इस सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है इधर के डायरेक्शन में ओके okay? एंड यही फोर्स ये एक्सलरेशन प्रोवाइड कराता है ओके okay? सो so अगर फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज अप्लाइड बाई द अर्थ ऑन द सेटेलाइट उसका वैल्यू क्या होगा जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सेटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ द सेटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ओके सो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ पाथ

स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर हम लोग को क्वेश्चन में टाइम पीरियड का वैल्यू दे रखा है ओके okay? सो so, अगर इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड देखे तो इस सैटेलाइट को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो लगेगा टाइम पीरियड विल बी टू एक चक्कर कंप्लीट करने में ये सैटेलाइट डिस्टेंस कितना चल रहा है टू बाई आर के बराबर एंड इसका स्पीड कितना है वो है वी के बराबर ओके सो दिस इज डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी ओके सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर ठीक है सो so, यहाँ से हम लोग को मिलेगा टू पाई ये आर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा आर का पावर थ्री बाई टू डिडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू एम ओके सो so, क्वेश्चन में हम लोग को टाइम पीरियड का वैल्यू दे रखा है ओके मास ऑफ अर्थ का वैल्यू हमको पता होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमको पता होता है ओके सो so, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है सो so, आर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो टाइम पीरियड का वैल्यू दे रखा है वन ट्वेंटी मिनट ओके इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी इंटू इतना सेकेंड हो गया टू पाई का पावर थ्री बाई टू डिड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी का वैल्यू होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन का पावर माइनस इलेवन ऐसा यूनिट में इंटू जो मास है अर्थ का उसको हम लग लेते हैं सिक्स इंटू टेन का पावर ट्वेंटी फोर के जी ओके सो यहाँ से अगर आर का पावर थ्री बाई टू का वैल्यू देखें तो हम लोग को मिल रहा है आर का पावर थ्री बाई टू इज इक्व टू टू पॉइंट थ्री इंटू टेन का पावर टेन ओके सो यहाँ से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालें तो आर विल बी इक्व टू टू पॉइंट थ्री इंटू टेन का पावर टेन का पावर टू बाई थ्री ओके सो दिस इज इक्व टू एट जीरो एट सेवन किलोमीटर ओके okay. नाउ ये r का वैल्यू मिला हम लोग को इतना ठीक है अब देखो r को समझते हैं ठीक है सो ये r जो है ये अर्थ के सेंटर से ठीक है ये सैटेलाइट का डिस्टेंस है हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकालना है ओके सो so, हम लोग क्या करेंगे r में से रेडियस ऑफ अर्थ माइनस कर देंगे तो हम लोग को h का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है सो वी कैन से दैट दिस r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सेटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओके सो यहाँ से अगर हाइट का वैल्यू देखें तो ये मिलेगा हम लोग को आर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ दिस वैल्यू इज इक्व टू एट जीरो किलोमीटर रेडियस जो है अर्थ का इतना के बराबर होता है ओके सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एच इज इक्वस टू वन सिक्स एट सेवन किलोमीटर ओके सो जो हाइट होगा सेटेलाइट का वो इतना के बराबर होगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ तो दिस इज आवर आंसर आई होप यू गुड इट थैंकू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट का भर हो सकता है आज ही डाउनलोड करे डाउट नटाप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर